मम्मी जायका में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नागौर जिले की बहुत ही फेमस दलिये की कबूली। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल का बटन है उसे दबाइए। इससे आप रोज हमारी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं और हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। इसके लिए ये सामग्री इस प्रकार है। ये 250 ग्राम दलिया है, इसको गेहूं के फाड़े भी कहते हैं। ये 200 ग्राम मटन है, एक कटोरी पुदीना है, आधी कटोरी हरी प्याज है, ये 5 मीडियम साइज की प्याज है जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया है, एक हरी मिर्च इसको भी हमने काट लिया है, एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 नींबू है, ये 8-10 लहसुन की कलियां हैं जिसको हमने काट लिया है, और ये कुछ मसाले हैं, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून नमक। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हम इंडक्शन का फ्लेम ऑन कर देंगे और उसके ऊपर कुकर रखेंगे। कुकर को थोड़ा गर्म होने देंगे। कुकर हमारा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। ऑयल को गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें से 1/2 प्याज डालेंगे। इसमें आधी डालें पूरी में। इसको लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है जितने हम हमारे मसालों को पानी में भिगो देते हैं। थोड़ा सा पानी डालें। इसको साइड में रख देते हैं। ये देखिए प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, इसे ज्यादा ब्राउन ना करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें मटन डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और मटन को अदरक लहसुन के अंदर 5 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालें। ये मैंने 1 टेबल स्पून जितना पानी डाला। मटन ने तेज छोड़ दिया। अब हमारे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। और इसको भी कम से कम 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले भूनना खूब जरूरी है, इसी से हमारे खाने में टेस्ट आता है। देखिए हमारा मटन मसाला भून चुका है। अब हम 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। कुकर का ढक्कन ढक देते हैं। इसको आप 80% ही बनाएं, इसको आप 80% ही पकाएं, क्योंकि बाकी 20% ये दलिये में जाके और पकेगा। अगर आपने इसको पूरा 100% पकाया तो दलिये में जाके मटन घुल जाएगा। हमारा मटन गल रहा है जितने हम दलिया को भून लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया। ऑयल को गर्म होने देंगे। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये अब लहसुन डालेंगे। इसमें लहसुन को सिर्फ 2 मिनट तक ही भूनना है, ज़्यादा ना भूने। हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें हमारा दलिया डालेंगे। दलिया को सेकने में बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और दलिया को हम तब तक सेकेंगे जब तक ये सफ़ेद प्याज है ये ब्राउन नहीं हो जाती है। कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं इसको भूनने में। और इसको लगातार चलाते हुए भूने, इसको बिल्कुल छोड़े नहीं, वरना आपकी दलिया जल जाएगा। देखिए हमारे दलियों को भूनते हुए
15 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी परंपरागत रेसिपी है, हम इसी तरह से इसको बनाते हैं। इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत लगती है उतना अच्छा टेस्ट आता है, हाथों की बराबर कसरत हो जाती है इससे। अब हम ये धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून है ये, और इसको बराबर से मिक्स करेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए इसको हिलाना है, और आप दलिए को मीडियम फ्लेम पर ही भूने, इसी से ये पूरी तरह से सीख जाएगा अंदर तक, वरना कैसे कच्चा रहेगा और कैसे जल जाएगा। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। इतना दलिया लिए है उससे 3 गुना पानी डालेंगे इसमें, यानी 250 ग्राम दलिए में 750 ग्राम पानी डालेगा। पानी को गर्म करेंगे, इसको बराबर से उबाल आने देंगे। इसमें 750 ग्राम पानी है, ये देखिए पानी हमारा गर्म हो चुका है। हमारी कढ़ाई वापस इस पे रखेंगे, और ये मटन भी हमारा 80% जितना गल चुका है, ये देखिए 80% ही गला है। इसमें हम मटन डालेंगे, पानी डालेंगे, इसमें गर्म पानी ही डाले, ठंडा पानी ना डाले। ये पुदीना और हरी प्याज है, पुदीने को हमने काटा नहीं है। इस स्टेज पर हम नमक चख सकते हैं, इसको बराबर से मिक्स करेंगे। इसमें नमक थोड़ा कम है, 1 टीस्पून नमक और डालेंगे, और इसको एकदम स्लो फ्लेम पे 45 से 60 मिनट पकाए। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है पकने में, आप चाहे तो इसको कुकर में भी बना सकते हो, इसमें जल्दी बन जाएगा, लेकिन इसका ओरिजिनल टेस्ट तो ऐसे पकाने में ही आता, कढ़ाई में या खुले में। इसके ऊपर ढक्कन ढक के उसके ऊपर पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका दाना एकदम खिला खिला हो। देखिए हमारे 55 मिनट हो चुके हैं, हमारी कबूली बन चुकी है। इसको आप ऐसे चेक कर ले, इसका दाना एकदम से गल जाना चाहिए, ये देखिए। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए नागौर की फेमस कबूली, किसी भी तरीके से ये बिरयानी से कम नहीं लगती है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक होती है। इसको आप टमाटर, नींबू और छाछ के साथ खा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।